वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा ज़बरदस्त सा चूल्हे पे पिज़्ज़ा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हम 1.5 कप मैदा डाल देंगे, उसमें हम डालेंगे 3/4 टीस्पून ईस्ट। ये हमारा इंस्टेंट ईस्ट है और इंस्टेंट ईस्ट को पानी में घोलने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 टीस्पून शक्कर, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल। ये बड़ा झटपट बनने वाला पिज़्ज़ा है, इसको राइजिंग के लिए टाइम नहीं देना है, गूंदने में कोई हैसल नहीं है। आप मशीन होना ज़रूरी नहीं है, जैसा आप घर में आटा गूंदते एग्जैक्टली आप इसी तरह गूंद सकते हैं। ये तो मैं बिगड़ी नवाब हूँ ना, तो मुझे मशीन बगैर चलता नहीं है। तो चले अब हम इसको डालते हैं अपने मशीन में। चल इसको हम नीचे करते लॉक करते और 2 पे स्टार्ट करते। अब इसमें हम डाल देंगे बॉम, यानी गुनगुना गर्म पानी जिसमें हम उंगली आराम से डाल सके, 2/3 कप, यानी आधा कप से थोड़ा ज़्यादा और 1/4 कप से थोड़ा कम। बस इसे हमें 2 मिनट ही गूंदना है, और अगर आप हाथ से गूंदते हैं तो आप 2 मिनट गूंदने के बाद एक्स्ट्रा सिर्फ 100 स्ट्रोक मार दीजिएगा एक्स्ट्रा के लिए बस, ठीक है। तो चलिए इसको मैं 2 मिनट गूंदती हूँ। बस देखिए ये हो गया है हमारा, अच्छा सा गूंद गया है। देखिए इसने सब छोड़ दिया है, ये देखिए बोल को भी छोड़ दिया है और हुक को भी छोड़ दिया है। बड़ा नरम सा, देखे बड़ा प्यारा सा आटा है। बस अच्छे से हमने यूँ कर दिया इसको, और किसी भी ढक्कन वाली बर्तन में डाल दे, थोड़ा सा बस ऑयल ड्रिजल करें और बस इसको कवर कर दे 10 मिनट के लिए, बस दैट्स इट। तो बस चले इसको हम काउंटर पे ही रखेंगे, कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, गरम गरम जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, टेलीफोन करके पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी देर में आप ऑर्डर करेंगे उससे पहले आप बना लेंगे गारंटीड। तो चले अब मैं मशीन को मूव करती हूँ, अपनी चीज़ों को कलेक्ट करती हूँ और 10 मिनट में मिलती हूँ। देखिए 10 मिनट हो गई है, और अब हम इस छोटे पैन में इसको हम ऑन करते हैं मीडियम पे, और इस पर हम डालते हैं अराउंड 2 टीस्पून ऑयल, 200 ग्राम के आसपास, 7 औंस के आसपास चिकन ब्रेस्ट है जिसको हमने बहुत बारीक बारीक पीसेस कर लिया है ताकि वो जल्दी से झटपट बन जाए। और उसमें अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून अनियन पाउडर, ना हो तो नो प्रॉब्लम, 1/2 टीस्पून ओरिगनो, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। मैं इसमें क्रश पेपर या कुटी हुई मिर्चें या कुछ तेज़ नहीं डाल रही हूँ, स्पाइसेस बड़े माइल्डर से रखें क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है ये वाला पिज़्ज़ा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ज़रूर डालें। चले अब मैं आपको बताती हूँ आटा कैसा लग रहा है। देखें हमारा कितना ज़बरदस्त आटा लग रहा है, अब हम इसको निकालते हैं, देखें कितना प्यारा है। हल्का सा हम डस्ट करेंगे अपना जो भी है वर्किंग सरफेस या कटिंग बोर्ड आपका जो भी हो उस पर हम इसको फैलाएंगे। सेंटर से थोड़ा सा पतला रखेंगे और आसपास ले जाएंगे डो को हम। चलें हम चिकन देख लेते हैं, अपनी चिकन बुला रही है हमें, सिजल का साउंड आ रहा है। इतने पतले पतले पार्चे किए हैं कि चिकन क्या उसके अब्बा भी पक जाएंगे 2 सेकंड में, क्योंकि जल्दी वाला पिज़्ज़ा है, ऑर्डर करेंगे उससे पहले आ जाना चाहिए वो वाला है। चले अब हम दोबारा जाते हैं अपने आटे पे। चले हम ऐसा करते हैं ये पैन जो है इसको भी ऑन कर देते हैं, इसको हम मीडियम लो पे ऑन कर देते हैं और ये कंटिन्यू करते हैं। देखें अच्छा खासा बड़ा हो गया हमारा फ्राई पैन की मेजरमेंट के हिसाब से। चले चिकन देखते हैं, बस हमारी चिकन बड़ी अच्छी सी मसाले वसाले जो भी थे लग गए हैं,
अब हम इसको कम्प्लीटली स्लो कर देंगे और कवर कर देंगे। यहाँ हमारी चिकन कम्प्लीटली पकेगी और यहाँ हमारा पैन जो है वो हमने मीडियम पे ऑन कर दिया था, इसमें हम अपनी रोटी डालते हैं। यहाँ हम तवा हमने ज्यादा नहीं रखा है, बस अब क्या कहते हैं, एक साइड पे बबल आएगा जब हम इसको पलटेंगे, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे। लेकिन आप भी कोशिश कीजिएगा कि जो आपने तवा या बहरहाल पैन लिया है उससे थोड़ी रोटी बड़ी हो ताकि आप मोड़ सके, लेकिन फिर अंदर जाके आप फैला नहीं सकेंगे क्योंकि आपने तवे को प्री हीट किया हुआ है। ठीक है, बस देखिये बबल बबल काफी हो गया है, ड्राई भी हो गया, देखे आवाज आ रही है, और 2-3 मिनट हो गए हमारे, तो इसको अब हम पलटते हैं। इस साइड थोड़े सेकेंगे, अब इस साइड पे हम 3-4 मिनट पकाएंगे और फिर हम पलटेंगे। चले 4 मिनट हो गई है, अब हम देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन है रोटी की। देखिए फर्स्ट क्लास, ऐसी ही हमें चाहिए बिल्कुल। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा पलटते हैं और इस साइड पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं। अब हमने देख लिया था कि हमें पिज़्ज़ा वैसे ही रोटी चाहिए जैसी कि थी, अब ये हमने पलटी और इसके ऊपर हमने लगाना शुरू किया अपना पिज़्ज़ा सॉस। ये हमारा होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है और झटपट बनने वाला है। ये देखें, ये हमने 4 टेबलस्पून डाल दिए। अब हमें सब जल्दी जल्दी करना है, इसकी 2 रीज़न है, एक तो हमारा पिज़्ज़ा ना जले, नंबर 2 ये गर्म रहेगा तो हमारी चीज़ जल्दी मेल्ट होगी, ठंडा हो जाएगा तो चीज़ को मेल्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब इस पर हम थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंकल करेंगे, ये हमारी मोज़रेला है, 1.5 कप है, अभी हम थोड़ी सी डालते हैं इसमें। अब हम इस पर डाल देंगे अपनी चिकन, हर जगह स्प्रेड कर लेंगे, ठंडी भी हो गई है। चिकन भी चली गई, अब अपनी मर्जी से हम टॉपिंग ले सकते हैं। मैंने लिए 3 कलर की बेल पेपर्स, रेड अनियन, हालोपिनोज एंड ऑलिव्स, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका दिल चाहे। तो चले मैं लेयर लगाना शुरू करती हूँ सबकी। थोड़ी रेड अनियन डाल देंगे। चले अब हम अपनी चीज स्प्रिंकल कर देते हैं और किनारे के जो आटा है ना उस पर हम थोड़ा थोड़ा ऑयल, अगर आप ब्रश करना चाहें तो ब्रश कर लें, मैं स्प्रे कर लेती हूँ थोड़ा सा, इससे अच्छे बनेंगे किनारे। चले अब हम इसको कवर कर देते हैं और हमारा चूल्हा बिल्कुल लो पर है, बिल्कुल लो पर है, और हमारा पैन जो है वो पतला नहीं है। अगर आपका पैन पतला है तो फिर आप तवा नीचे रख लें और मीडियम लो कर लें, तो हीट भी पहुंचेगी और जलेगा भी नहीं। ठीक है, चले तो मिलते हैं जब चीज़ बबली होगी। जब देखिए 10 मिनट हो गई है और हमें यहीं से दिख रहा है शीशे में से ही कि हमारी चीज़ मेल्ट हो गई है, तो चले अब हम देखते हैं। ये देखें बबल 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 दिख रहा है। चले अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं और अपने पिज्जा को निकालते हैं। इतना गरम है। देखा, बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ है और क्रंची भी है, आप फोल्ड करके भी खा सकते हैं और फिर क्रश भी अच्छा है। देखें
मज़ेदार। अब आप लोग झटपट बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।